जय श्री राम दोस्तों। देखें यहाँ पे BGMI की वापसी हो चुकी है हमारे इंडिया में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोड कब आएगा और रॉयल पास कब आएगा और UC का क्या प्राइस होने वाला है, और अगर आपका ये BGMI चलने में थोड़ी दिक्कत दे रहा है तो उसको आप कैसे सही करोगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, फिर वहां पे सर्च बार में लिखना है BGMI। तो सबसे ऊपर आपका जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, और ऊपर यहाँ पे लिखा आएगा गेट इन iOS एंड गेट इन AOS। iOS का मतलब एप्पल डिवाइसेज, AOS का मतलब एंड्रॉइड डिवाइसेज। तो आपका जो सा भी डिवाइस है उस पर क्लिक कर देना और वहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको BGMI को अपने फ़ोन में ओपन करोगे तो वहाँ पे एक नोटिस ज़रूर आता है। तो इस नोटिस को स्किप करने के लिए आपको पहले तो अपना नेट ऑफ करना पड़ेगा या वाईफाई जिससे भी आप इसको BGMI को चला रहे हो, और उसको फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो जब वहाँ पे सर्वर इज नॉट अवेलेबल का मैसेज आ जाएगा कि आपके फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है, तो जब आपको अपना नेट ऑन करना फिर वहाँ पे लॉग इन इनटू फेसबुक का ऑप्शन आएगा, फिर BGMI वर्क करेगा एप्पल में भी और एंड्रॉइड में भी। ये आपको करके देखना होगा, ये हर बार के लिए है। अब ये 2-3 दिन के लिए टेम्पररी ग्लिच है, उसके बाद ये हट जाएगा जब मोड वगैरह आएगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एंड्रॉइड में अपना अकाउंट लॉग इन कर देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, मैंने लॉग इन कर दिया है। तो यहाँ पे क्राफ्टन वगैरह का जो शुरू में आता है वही, अब यहाँ पे ये नोटिस आएगा कि गेम को डाउनलोड कर लीजिए और अपडेट कर लीजिए तभी चलेगा, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। फिर आपको वही जो मैंने अभी आपको बताया कि नेट ऑफ करके फिर से चालू करना पड़ेगा। तो अब मैं वो का आपको करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करिए एंड्रॉइड में भी और आईफोन में भी। तो देखिए दोस्तों अब हमने नेट ऑफ कर दिया और ये वो फिर से रिस्टार्ट करेंगे इसको गेम को। तो देखिए दोस्तों रिस्टार्ट करने के बाद ये ऐसे ही सिंपल ऐसे लॉगिन हो जाएगा। फिर आप अपने रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट कर लीजिए, जो भी हमें वेलकम बैक के नाम पर गिफ्ट मिला। यहाँ पे एक रीनेम कार्ड भी मिलेगा, अगर आपको अपना रीनेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अब बारी है दोस्तों कि BGMI को आईफोन में कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले वैसे ही हमें अपने आईफोन में BGMI को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हमको उसका नेट बंद करना पड़ेगा तभी वो ऑन कर हो पाएगा, वरना उसमें वही नोटिस आ जाएगा कि अपडेट द गेम वगैरह, और फिर से हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं बता चुका हूँ, तो आप पहले से ही इसको बंद करके चलो अपने इंटरनेट को, तभी ये अच्छे से काम कर पाएगा। तो नेट ऑफ करके करने के बाद ऐसे चलाने के बाद यहाँ पे वैसे ही लॉगिन इनटू फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आपका BGMI चल जाएगा आईफोन्स में भी, और यहाँ पे भी आपको सेम रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसा एंड्रॉइड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सब कुछ सेम है, लेकिन एंड्रॉइड में जो 90 FPS वाली सेटिंग होती है ग्राफिक्स में वो हटा दिया गया है, और आईफोन में भी नहीं है। आईफोन में भी हायर डिवाइसेस में जैसे 14 प्रो मैक्स, एंड्रॉइड में तो हर एंड्रॉइड में से हटा दिया, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही हटा। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद दोनों में आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसेस में जो आपको वेलकम बैक का गिफ्ट मिलने वाले है वो बिल्कुल आपके सामने है। ये देखिए वॉइस पैक्स भी मिलेंगे आपको बढ़िया बढ़िया क्रिएटर्स के, और वेलकम बैक गिफ्ट में ये आउटफिट मिलने वाला है, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, और भी कई चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो दोस्तों जब पिछली बारी पबजी बैन हुआ था, जब BGMI आया था पबजी बैन होकर, तो सब कुछ डिलीट हो गया था, सेंसिटिविटी कंट्रोल फ्रेंड लिस्ट प्रोग्रेस और क्या कहते हैं इन्वेंटरी बचा था बस, और सब कुछ डिलीट हो गया। लेकिन इस बार सब कुछ सेम है, कंट्रोल भी सेम है, सेंसिटिविटी भी सेम है, फ्रेंड लिस्ट भी सेम है, पॉपुलैरिटी भी सेम है, बल्कि अब तक आप देख सकते हो और अपना चेक कर सकते हो लॉग इन करने के बाद कि सब सेम है या नहीं। अब बारी आ जाती है दोस्तों रॉयल पास की। तो रॉयल पास आने में अभी 4 दिन है, सोर्सेस के बताया जा रहा है कि 2 जून को रॉयल पास आएगा गेम में, और नया मोड भी उसी दिन आएगा। तो आप बस 4 दिन का वेट और करना है, फिर मोड रॉयल पास दोनों आ जाएंगे, और मंथ 21 का रॉयल पास इस बार आने वाला है, ना कि A1 RP का रॉयल पास। और अब क्राफ्टन और गवर्नमेंट की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन गेम पर लगाए गए है कि सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें एंटर करना पड़ेगा एक कोड और आधार नंबर, और उसके बाद जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के बच्चे या बड़े लोग जो भी है वो 6 घंटे ही खेल पाएंगे, और जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं मतलब 18 साल से कम उम्र के हैं उनको सिर्फ दिन में 3 घंटे खेलने को ही मिलेगा। अगर वो उससे ज्यादा खोलेंगे तो उनका अकाउंट बैन भी हो सकता है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या क्या रेगुलेशंस आए हैं। जैसे ही आपके 2 घंटे गेम में कंप्लीट हो गए आपको ऐसा रिमाइंडर आता रहेगा कि आप इसको बंद कर दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये हर उसमें आएगा चाहे आप 18 साल के हो या 18 से कम के हो, लेकिन आपको रिमाइंडर जरूर आएगा।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूसी के प्राइस की, कि आईफोन में और एंड्रॉइड में कितना प्राइस डिफरेंस है यूसी का। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो एंड्रॉइड में पहले यूसी परचेज करने के पैसे लगते थे बिल्कुल उतने ही है, एक पैसा भी वापस से बढ़ाया नहीं गया, कि गवर्नमेंट कह रही थी इस बार हम टैक्स लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक भी रुपया बढ़ाया नहीं गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जितना प्राइस पहले था एंड्रॉइड में उतना ही अभी है, और जितना प्राइस पहले आईओएस में था एप्पल डिवाइसेज में, क्योंकि एंड्रॉइड से ज्यादा प्राइस ही होता है एप्पल डिवाइसेज में 10-15 रुपए। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों फोन में होता है, एक भी जितना प्राइस पहले था दोनों डिवाइसेज में उतना ही अभी है, कुछ भी बढ़ाया नहीं गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों अब खुशी की बात ये है कि बीजीएमआई वापस आ चुका है, और हमें इसको वापस से जाने नहीं देना है, बस इसको आराम से खेलना है, ना ही ज्यादा देर खेलना है। सबके लिए सर्वर्स ओपन हो चुके हैं, एंड्रॉइड के लिए भी एप्पल वालों के लिए भी, तो बस इसको ध्यान से खेलो, ज्यादा मत खेलो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको कैसा लगा।